All right, friends, Radhe Radhe. So today we are starting a very very important one, and this is your analysis of fixed overhead. दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स मेरे को सबसे अच्छा लगता है मेरा एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. तो पेज नंबर 11.34 से अपन स्टार्ट करेंगे इसको. अपना पेज नंबर 11.34 आप खोल दीजिए. डीकेसी का जो आपको बुक दिया गया है, डीकेसी का जो बुक दिया गया है उसका पेज नंबर 11.34 आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप खोल लीजिए. फ्रेंड्स आर यू रेडी? पेज नंबर 11.34, पेज नंबर 11.34 आप खोल लीजिए. ओके, उसमें हम लोग आज करने वाले हैं फ्रेंड्स एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. ओके, तो पहला लाइन मैंने आपको लिखा है 11.34 पे. पहला लाइन मैंने आपको लिखा है, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. इससे रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं. एक आपका जुलाई 21 में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट अभी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो आप देखिए. फिर उसके बाद कई क्वेश्चन मैंने जो आपके पास एग्जाम SCMP के जो पास एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो मैंने डाले हुए हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प करेंगे. तो आप जरा वो क्वेश्चन जरूर से देखिए. ओके फ्रेंड्स, तो पहला सबसे पहले आपको दे रखा है, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. आपका जो एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? बजटेड प्रोडक्शन. जैसे सपोज अगर अपने पास 20 स्टूडेंट्स का मेरा क्लासरूम मैंने लिया भाड़ी पे, 20 स्टूडेंट का क्लासरूम लिया, राइट? अब अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट एडमिशन लेते, एक्चुअल में 10 स्टूडेंट्स ओनली एडमिशन लेते, इसका मतलब जो मेरा बुक लगेगा, जो मेरा मटेरियल लगेगा, वो मैं कितने स्टूडेंट को दूंगा? ओनली 10 को. लेकिन जो रेंट लगेगा वो कितने का लगेगा? 20 का लगेगा. मैंने बजट कितना किया था कि मेरी क्लास में, मेरे बैच में कितने बच्चे आएंगे? मेरे बैच में आएंगे 20 स्टूडेंट्स. मेरे बैच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? मेरे बैच में आएंगे 20 स्टूडेंट्स, राइट? आए कितने? 10. तो मैं बुक्स कितने को दूंगा? ओनली 10 स्टूडेंट को. मैं बुक्स कितने को दूंगा? ओनली 10 स्टूडेंट को. लेकिन मेरे को रेंट कितने का भरना पड़ेगा? 20 का. अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां से स्टार्ट किया था कि डीकेसी का एक केस स्टडी अपन ने डिस्कस किया था. दिस इज ए केस स्टडी रिलेटेड टू योर डीकेसी लिमिटेड. ये आपका डीकेसी लिमिटेड है, राइट? उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वन इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट? वन इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड वन इज योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट. दिस इज योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बराबर. यही जाके हम लोग आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जब हम करेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, आपका चैप्टर नंबर 7, पहले उसको चैप्टर नंबर 8 बोलते थे, अब एक क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से निकल गया है, फिर भी मैं तो वो कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा उसके अंदर. क्योंकि निकल गया है इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पूछा नहीं जा सकता, आपसे पूछा जा सकता है 100%. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक आपका है, तो उसमें आते हैं चार तरह के. एक होता है आपका कॉस्ट सेंटर, एक आपका होता है प्रॉफिट सेंटर, एक रेवेन्यू सेंटर और एक इन्वेस्टमेंट सेंटर. वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा. यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या है कि मैंने आपको क्या बोला था कि योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ पर है? सपोज जामनगर गुजरात. और आपका सेल्स ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है. और आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं एंड आपकी नेम ऑफ द कंपनी है डीकेसी लिमिटेड. अब आपके पास एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर आपसे आके पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. इसका मतलब कस्टमर आपसे क्या बोल रहा है, ये आपका कस्टमर है और आपकी सेल्स ऑफिस है. आपका सेल्स ऑफिस है फ्रेंड्स कहां पर है? सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई. आपका जो सेल्स ऑफिस है वो कहां पर है? मुंबई में. आपका जो सेल्स ऑफिस है वो कहां पर है? मुंबई में है. आपका जो सेल्स ऑफिस है वो आपका सेल्स ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है. और एक कस्टमर आके आपसे पूछा कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? तो आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर वन हम लोग क्या बनाएंगे? दिस इज योर कॉस्ट शीट. स्टेप नंबर वन हम लोग क्या बनाएंगे? दिस इज योर कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट इट मींस दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट. इट मींस
डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। बहुत बेहतरीन आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं फ्रेंड्स, इससे बेस्ट कंसेप्ट हो ही नहीं सकता कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में इससे बेस्ट कंसेप्ट आपका हो ही नहीं सकता। जिन लोगों ने भी अगर अपने फिक्स्ड ओवरहेड पे कंट्रोल कर लिया, मैं आपको बताऊंगा डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एक कंसेप्ट है अपना कॉस्ट कंसेप्ट इन डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग भी इसको कोई लोग बोलते हैं, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। हो सके तो लाइफ में जितना कम से कम फिक्स्ड ओवरहेड आपका हो उतना आप करिए करके, आप परफॉर्मेंस बेसिस पे ये इसके लिए तो मैं बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स। SCMP मींस क्या सब्जेक्ट है, मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता करके ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहला अपन ने लिया दिस इज योर 1000 यूनिट का अपने को ऑर्डर है, ओके, और उसके लिए हम लोग कॉस्टशीट बना रहे हैं। हमारा सेल्स ऑफिस मुंबई में आप, और ये आपके पास कस्टमर आया और आपसे पूछता है आप बना रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। इट मींस प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है एक यूनिट को बनाने में 10 kg लगेगा, एट द रेट ऑफ 10 आपका क्या हो जाएगा 100 rupees। ये 10 hours आपको लगेंगे, एट द रेट ऑफ 10 आपको क्या हो जाएगा सपोज 100 rupees, एंड टोटल आपका प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹200। देन यू गो टू योर इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में सपोज फैक्ट्री ओवरहेड, एंड फैक्ट्री ओवरहेड इफ इट इज इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड। आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है सपोज से फिक्स्ड, बराबर। अब सपोज आपका पीरियड है 1/4/22 to 31/03, ये आपका पीरियड है। कौन सा पीरियड है फ्रेंड्स, 1/4/22 to 31/03, राइट। 1/4/22 to, अब आप, आपको जो फिक्स्ड ओवरहेड है आपका रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिशिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, वो कब पता चलेगा 31 मार्च 23, और उसके सामने प्रोडक्शन हुआ वो कब पता चलेगा 31 मार्च 23। लेकिन कस्टमर को आपको कब बताना है, कस्टमर को आपको बताना है एज ऑन टुडे, कस्टमर को आपको बताना है एज ऑन टुडे। तो आप कैसे बताएंगे कस्टमर को, आपको ये जो एक्सपेंस है वो आपको कब पता चलेगा 31 मार्च 23, आपका प्रोडक्शन हुआ वो कब पता चलेगा 31 मार्च 23, लेकिन आपको बताना कब है, आपको कॉस्ट शीट कब बताना है, आपको कॉस्ट शीट बताना है एज ऑन टुडे, आपको कॉस्ट शीट कब बताना है एज ऑन टुडे, आपको कॉस्ट शीट कब बताना है एज ऑन टुडे। आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूं, थोड़ा समझ लो आपने कि आपने एक बजट बनाया, ये बजट पहले आप एक्सपेंस मैनेजर से पूछो, भाई अगर अपना 1/4/22 to 31 मार्च 23 अगर अपना ये पूरा फैक्ट्री चलेगा तो कैन यू टेल मी द व्हाट आर द नेचर ऑफ एक्सपेंस, जिनका नेचर क्या है फिक्स्ड, क्या प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्शन नहीं होगा, वो एक्सपेंस तो आपको लगने वाले हैं, चाहे प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्शन नहीं होगा वो एक्सपेंस आपको लगने वाले हैं, क्या बना बता सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस। वो बोलता है सर यस, बोले रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइज सैलरी, तो आपको बोलता है सर 5 lakhs होगा। फिर आपने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई पूरे साल में अगर 1/4/22 to 31 मार्च 23 अगर अपना पीरियड है तो पूरे साल में अगर अपन नॉर्मली देखें तो पूरे साल में हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, वो आपको बोलता है वी कैन प्रोड्यूस अप टू 50,000 units। इट मींस आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 10। व्हाट इज रिकवरी रेट, अगर आपको याद हो तो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट। ओवरहेड आपको कौन बताएगा, दिस इज योर एक्सपेंस मैनेजर, और ये आपको कौन बताएगा, दिस इज योर प्रोडक्शन मैनेजर। मैं अभी आ रहा हूँ आपको डिटेल में बताता हूँ। रिकवरी रेट हो गया 10, आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट 10 किया, ये 210, चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 90, और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹300। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया ₹300। ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन होता क्या है कि सपोज जब आपने ये प्रोडक्शन किया और आपकी यूनिट्स एक्चुअल में बन के तैयार हुई ओनली 40,000, और आपका जो एक्सपेंस है वो आपको निकल के आया सपोज से 5,20,000,
आपने जब एक्चुअल में प्रोडक्शन किया, ये कभी का बात था, ये 1 अप्रैल 22 की बात है, लेकिन 31 मार्च 23 को यू केम टू नो कि द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 40,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेज इज 5,20,000। 5,20,000 का आपका एक्चुअल एक्सपेंसेज है और आपने एक्चुअल में जो यूनिट्स बनाई हैं वो कितनी बनाई है, ओनली 40,000। अब आपको ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज द करेक्ट, 40,000 इज करेक्ट और 5,20,000 इज करेक्ट, 40,000 इज करेक्ट और 5,20,000। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। इसके लिए आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर में सीखना है एनालिसिस ऑफ वेरियंस। सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा ये अकाउंट, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, इट मींस टू बैंक, आपका टू बैंक, आपने कितना पे किया, रुपीज 5,20,000 बाई रिकवरी। अब एक यूनिट बिकेगी तो आपको कितना ओवरहेड वापस मिलेगा, 10 रुपीज। अगर एक यूनिट बिकेगी, अगर एक यूनिट बिकेगी तो आपको ओवरहेड कितना वापस मिलेगा, 10 रुपीज। सपोज 40,000 यूनिट आपने बनाया और 40 का 40 आपने सेल कर दिया तो आपको रिकवरी कितना आएगा, 40,000 × 10 एंड दिस कम्स टू रुपीज 4 लैक्स। आपने पे कितना किया, 520, आपको रिकवर होकर मिला 4 लैक, आपको लॉस कितना हो जाएगा, से रुपीज 1,20,000। इसको हम बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, अंडर रिकवरी। इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रिकवरी। आपने पे कितना किया, 520, आपको रिकवर कितना हुआ, 4 लैक्स, आपको लॉस कितना हो गया, 120। अब आप आ जाइए, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, इसको बोलते हैं। कितना आपकी पॉकेट में आया, 4 लैक्स, कितना आपकी पॉकेट में गया, 520 एंड कितने का लॉस हो गया, 120। अगर आपने इंटर वाले स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, आपका फैन हो जाएगा। कितने सारे बच्चे तो हमसे SEMP पढ़ने के बाद इंटर वालों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते, कितने सारे बच्चे BCom को MCom पढ़ाना चाहिए, आपको एक पार्ट टाइम इनकम भी हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, टीचिंग के अंदर व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ, यू वांट मनी, यू वांट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड यू वांट रेस्पेक्ट। ये मेरा गारंटी है, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में ये 3 चीजें आपको नहीं मिल सकती अदर देन टीचिंग। अगर आप टीचर हो तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अगर आपको एज ए प्रोफेशन BCom बच्चों को पढ़ाना है तो भी आप पढ़ा सकते हो, पार्ट टाइम आप पढ़ाइए, आपकी स्किल डेवलप होती है, राइट। एक पढ़ना अलग बात है और एक पढ़ाना अलग बात है। पढ़ाने के लिए आपके पास आर्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट को किसी के दिमाग में घुसाने के लिए आपके पास आर्ट होनी चाहिए, ओके। तो आपको पॉकेट में कितना पैसा आया, 4 लाख, आपकी पॉकेट से कितना गया, 520, कितना गया, 520, आया कितना, 4 लाख। कैसे आया, 40,000 यूनिट्स बिके, एक यूनिट को बेचने के बाद मुझे कितना पैसा रिकवर हो जाएगा, 10 रुपीज, बिकॉज माई रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, अभी आपको बताता हूँ। चार्जिंग रेट, बजटरी रेट, वो क्या होता है, इज दिस, इट मीन्स आपकी पॉकेट में आया 4 लैक और आपकी पॉकेट से गया 520, लॉस कितना हो गया, 120, इसको बोलते हैं एडवर्स। और यही आपका हो जाएगा, इसका अगर फॉर्मूला आप डेवलप करेंगे तो रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, यही आपका क्या हो जाएगा, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। नाउ यू डिवाइड दिस इनटू, एक होगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस और एक आपका रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। अगर आपने इंटर वाले BCom वाले को पढ़ा दिया ना, फेन हो जाएगा आपका, वो लोग इतना डरते हैं, इतने फॉर्मूला इधर इधर, अरे बाबा इट्स सो सिंपल, तूने कितना पे किया, 520, ठीक है डेबिट कर दे, कितना तेरी पॉकेट में आया, 40,000 × 10, 4 लैक, कितने का लॉस हो गया, 120, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस। एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा, 5 लैक, हुआ कितना, 520, इट मींस 5 लैक माइनस 520, कितने का लॉस हो गया, 20,000। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला, कितने यूनिट्स बनेंगे, 50,000, 50,000, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स कितने बने, 40,000, व्हाट इज द रिकवरी डेट, 10, कितने का लॉस हो गया, सपोज 1 लाख, 1 लाख का ये लॉस, 20,000 का ये लॉस, टोटल लॉस आपको क्या हो गया, रुपीज 1,20,000। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, 5 लाख खर्चा होगा, हुआ कितना, 520, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट मींस बजटेड एक्सपेंस माइनस
एक्चुअल एक्सपेंस, कितना बजटेड एक्सपेंस हो जाता 5 लाख, कितना एक्चुअल एक्सपेंस आया 520। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इट मींस बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट। सही है सुनो, अब मैं कभी भी आपको बोलूंगा रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, स्टैंडर्ड रेट, बजटेड रेट, प्रीडिटरमाइंड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एप्लीकेशन रेट, इसका मतलब क्या होगा, बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। सब कुछ मैंने आपको प्रिंट करके दिया है पेज नंबर 11.34 पे, आप जरा देखिए पेज नंबर 11.34 पे मैंने आपको बता के दिया है फ्रेंड। इट मींस कभी भी अगर मैं आपको बोलता हूं दिस इज योर रिकवरी रेट, मैं आपको बोलूंगा, या फिर मैं आपको बोलूंगा योर चार्जिंग रेट, रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, या फिर मैं आपको बोलूंगा योर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, या मैं आपको बोलूंगा बजटेड रेट, योर बजटेड रेट मैं आपको बोलूंगा, या मैं आपको बोलूंगा प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट मैं आपको बोलूंगा, या मैं आपको बोलूंगा एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, या मैं आपको एब्जॉर्प्शन रेट बोलूंगा, या मैं आपको बोलूंगा एप्लीकेशन रेट इक्वल टू योर बजटेड एक्सपेंस, बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। एक्सपेंस आपको कौन बताएगा, योर एक्सपेंस मैनेजर, ओके, और ये आपको कौन बताएगा, योर प्रोडक्शन मैनेजर। कभी भी मैं आपको क्या बोलूंगा, बोलो रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, राइट, स्टैंडर्ड रेट, ओके, बजटेड रेट, प्रीडिटरमाइंड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, इट मींस इसका मतलब होगा बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। एक्सपेंस मैनेजर आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम मैनेजर आपको, प्रोडक्शन मैनेजर आपको क्या बताएगा, इज ए वॉल्यूम। अब इसको आप डिवाइड करिए फ्रेंड्स, ये चार तरह से हो सकता है। एक आपको होगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और एक मैं आपको अलग से टॉपिक कराऊंगा, वो है मॉडर्न मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दिस इज मॉडर्न मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसमें मैं बहुत ही एक फनी एग्जांपल लेता हूँ, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाइए फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल में आपके पास चार रहेंगे, नंबर वन इज रिकवरी रेट बेस्ड ऑन यूनिट्स, तो आपका रिकवरी रेट हो जाएगा, रिकवरी रेट का मतलब ये सारे कोई भी चीज अपन यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी, रिकवरी रेट इक्वल टू योर बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय योर बजटेड यूनिट्स, बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। दूसरा आपका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, दूसरा आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन आवर्स, रिकवरी इज बेस्ड ऑन आवर्स, इट मींस आपका रिकवरी रेट क्या होगा, इट मींस बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय योर बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स मींस या तो आपके मशीन आवर्स हो सकते हैं या आपके लेबर आवर्स हो सकते हैं, राइट, उससे भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड आपका रहेगा फ्रेंड्स योर रिकवरी रेट इक्वल टू, रिकवरी रेट इज बेस्ड ऑन डेज, योर वीक्स, योर मंथ्स और ईयर, इट मींस योर रिकवरी रेट इक्वल टू योर बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड डेज, देन मंथ्स, देन वीक और ईयर, उससे डिवाइड। और लास्ट अगर आपको याद हो तो रिकवरी रेट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज आता है, इट मींस सपोज रिकवरी रेट इक्वल टू योर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100। आपको याद हो तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ वेजेस, तो वो परसेंटेज फॉर्म में आएगा, राइट। तो पहला मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट इज बेस्ड ऑन यूनिट, इट मींस बजट एक्सपेंस को करो, किससे बात करेंगे, एक्सपेंस मैनेजर से, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। दूसरा आपका बेस क्या रहेगा, रिकवरी रेट इक्वल टू आर्स, रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स, आर्स में मशीन आर्स एंड लेबर आर्स। थर्ड, रिकवरी रेट इक्वल टू
आपका डेज में, वीक्स में, मंथ्स में और ईयर में रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड मंथ्स, वीक, ईयर एंड फोर्थ आपका रहेगा रिकवरी रेट इक्वल टू रिकवरी फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100। सही है सुनो। फिर आपका एक आता है मॉडर्न अप्रोच। अब इंडिया में अपन जैसे सपोज इसका ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला। सपोज फोर फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर डिनर, चार दोस्त लोग हैं और वो डिनर करने जाते हैं, चार दोस्त लोग हैं और वो डिनर करने जाते हैं और 4000 का होटल का बिल आता है। दिस इज योर होटल का बिल एंड योर होटल का बिल कितना है, से रुपीज 4000, ये 4000 का, और चार फ्रेंड लोग हैं। तो इंडिया में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ईच पर्सन विल कॉन्ट्रीब्यूट 1000, इट मीन्स ये आपका एक्सपेंस हो गया और ये आपका वॉल्यूम हो गया। सही है सोना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये 4000 के बिल में सपोज लिखकर दारू का बिल है 2000 का और फूड का बिल है सपोज से 2000 का, लिकर का बिल है 2000, फूड का बिल है 2000, लिकर कंज्यूम किया है 2% ने और फूड कंज्यूम किया है 4%। इज द एलोकेशन ऑफ दिस 1000 इज करेक्ट? नेक्स्ट टाइम आप उसको बोलोगे चल भाई तो उड़क नहीं, मारी तो माछी न थी पार्टी चाहू नहीं अवन। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं दारू नहीं पीता हूं तो मेरे से आप क्यों दारू का पैसा ले रहे हो करके, ये नहीं बोलेगा, बहाने मारेगा, नहीं मैं तो ये हूं, मैं नहीं आऊंगा दारू में करके। और फिर दूसरे के कान में जाके बोलेगा देखो यार ये लोग ना दारू पीते और उसका भी पैसा हम लोग से लेते, मैं काहे को देने का करके। अरे भाई तेरे को नहीं देना है तो बोल देना, रिकवरी का मेथड चेंज कर देंगे, तू भी दानी की कॉस्टिंग से, वो भी दानी की कॉस्टिंग है, दानी से ने सिखाया तो था मॉडर्न मेथड फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। इट मींस ये दो एक्टिविटी हो गई, एक लिकर की एक्टिविटी है, एक फूड की एक्टिविटी है। फूड कैसे रिकवर होगा, 500 रुपीज पर पर्सन, ये कैसे होगा, 1000 रुपीज पर पर्सन, 1000 रुपीज पर पर्सन, 500 रुपीज पर पर्सन। जिसने खाना खाया है वो 500 देगा, जिसने दारू पिया है वो 1000 देगा, जिसने खाना और दारू दोनों लिए हैं वो 1500 देगा, खत्म हो गई बात। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड, अलग से एक टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप आ जाइए फ्रेंड्स, कि एक तो यूनिट्स के हिसाब से हो सकता है, आवर्स के हिसाब से, डेज, मंथ्स, ईयर और फोर्थ आपका एनी अदर मेथड, और उसको हम लोग बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। उसको हम क्या बोलेंगे, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सही है सुनो फ्रेंड, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परफेक्टली क्लियर होना। अब फ्रेंड्स आप आ जाइए, ये बहुत ही ध्यान से आप जरा सुनिए, एक एक चीज को अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको फ्रेंड्स मजा आएगा। ओके, कैसे हम लोग रिकवरी रेट निकालते हैं, कंप्लीट आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं। एग्जाम में जो केस स्टडी जाते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पूरे कॉस्टिंग के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, आपको पूरे कॉस्टिंग के सिस्टम को समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा सिस्टम समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग नोट फ्रेंड्स? सबसे पहले आप आ जाइए, सपोज योर फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस, पहली बात है योर फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, योर फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड का एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बजटेड प्रोडक्शन। सबसे पहले आप बनाइए ये बजट, राइट, एक एक पॉइंट को आराम से ध्यान से सुनिए, और ये आपका एक्चुअल, ये यूनिट्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस। आज हम लोग जो कंसल्टेंसी में जाते हैं, जो हमारा प्रोफेशनल वर्क है, खाली ये रिकवरी रेट निकालने के लिए ना फ्रेंड्स हम लोग जबरदस्त हमें काम मिलता है, कंपनी को यही नहीं मालूम कि व्हाट इज आवर रिकवरी रेट। अब जरा ये ध्यान से समझिए, और कल को अगर आपको सीए बनने के बाद अगर प्रैक्टिस करना है तो कैसे करते हैं वो जरा समझिए, कोई बुक्स में नहीं दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया, डीकेसी के साथ मेरे साथ आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है,
कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एकेडमिक तो मेरा है ही, मुझे मालूम है एग्जाम में क्या करना है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट भी मिलेगा. देन आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस डेज रिकवरी रेट एक्सपेंस बराबर. अब आपने अपने मैनेजर को पूछा, आपका जो एक्सपेंस मैनेजर है, बोले भाई मेरा एक पीरियड है सपोज 1/4/22 to 31/3/23, ये मेरा एक पीरियड है बराबर. कैन यू टेल मी द फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, वेदर यू प्रोड्यूस और यू डू नॉट प्रोड्यूस. आप प्रोडक्शन करिए या प्रोडक्शन मत करिए बराबर, आपको प्रोडक्शन करना है या आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको फिक्स्ड ओवरहेड तो लगेगा. जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस है, सुपरवाइजर सैलरी है, वो सब मिला के आप उसको बोलिए कि भाई एक लिस्ट बना ले 1/4/22, ये अपना 1/4/22 अपना पीरियड है, 1/4/22 to 31/3/23 यू जस्ट मेक मी द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कि कितना बजटेड एक्सपेंसेस इस साल में होने वाला है. तो उसने पूरा लिस्ट बनाया. कैसे हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में, हम लोग कैसे करते हैं, वट इज दानगी कॉस्टिंग, हाउ दिस दानगी कॉस्टिंग का सिस्टम इज वर्किंग. तो हम लोग एक्सपेंस मैनेजर को बोलते हैं कि भैया पूरा लेके आ. तो वो बोलता है सर इतना रेंट लगेगा, इतना इंश्योरेंस लगेगा, तो इस साल में सर इतना माइनस प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत, इतना रेंट इंश्योरेंस टैक्सेस डेप्रिसिएशन सुपरवाइजर सैलरी आपको मिला के बोलता है टोटल 6 लाख. इसका मतलब आप किसी भी मेथड से रिकवर करो, आपका एक्सपेंस तो कितना होने वाला है, ₹6 लाख. आपकी फैक्ट्री का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, आपकी फैक्ट्री का जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना होगा, वो होगा आपको 6 लाख. सही है, सुनो आपकी फैक्ट्री का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, 6 लाख. अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग जो फॉरेनर जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हम लोग फॉलो करते हैं, वी फॉलो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स. दिस इज कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स. हम लोग क्या फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड. एंड एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 and 3, एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 and 3, there are four types of capacity. ये एक क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम का भी किया है, लेटेस्ट अभी यूट्यूब पर डाला हुआ है, July 21 का. फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है फिक्स्ड ओवरहेड का, क्या क्वेश्चन है. July 21 वाला अगर किसी ने कर लिया, अगर आपको किसी को लाइब्रेरी में डिस्टर्ब करना है बराबर, तो आप उसको बोल देने का यार दानिश ने मेरे को ना होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया है, प्लीज जरा हेल्प करना, ये कैसे होगा. आपको फ्रेंड्स मैं हकीकत बोला, उसकी औकात पता चल जाएगी स्टूडेंट, इवन प्रोफेसर को भी नहीं आएगा, मेरा गारंटी है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है करके. ओके, तो फोर टाइप्स ऑफ वो कैपेसिटी वाला प्रैक्टिकल कैपेसिटी उसमें यूज किया है July 21 वाले क्वेश्चन में. कैपेसिटी में आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, एक होता है फुल कैपेसिटी, एक आपका रहेगा फुल कैपेसिटी, एक आपका रहेगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक आपका रहेगा नॉर्मल कैपेसिटी, और एक आपका रहेगा एक्चुअल कैपेसिटी. तो जो July 21 वाला जो क्वेश्चन है, July 21 में जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है पूछा हुआ है, 6B क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, July 21 में पूछा हुआ है, उसमें उन लोगों ने एक वर्ड यूज किया है प्रैक्टिकल कैपेसिटी. ओके, तो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड, अब ये लोग क्या करते हैं ना, फॉरेन की बुक्स से ले तो लेते हैं, सम्स को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इनको मालूम नहीं है कि यार हमने मॉड्यूल में क्या एक्सप्लेन किया है और ये फॉरेनर ने क्या लिया है करके. तो उसमें
टू वेरियंसेज पूछे हुए हैं। टू वेरियंसेज का मतलब होता है कि इज ए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर वन में मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन, ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्न कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब फुल कैपेसिटी फ्रेंड्स, एकदम फनी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि यू टेक द एग्जांपल ऑफ ए सीए स्टूडेंट, अगर वो चाहे तो पूरे दिन में 24 आवर्स तक स्टडी कर सकता है। ये उसका क्या हो गया, ये मेरा एक सीए स्टूडेंट है, ये मेरा एक सीए स्टूडेंट है, ओके, ये सीए स्टूडेंट है, ये अगर चाहे, ये एग्जांपल अगर आप याद रखो, कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है कि वॉट टाइप ऑफ कैपेसिटी राइट एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3, या वॉट टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज आर देयर राइट। पहला आपका रहेगा फ्रेंड्स फुल कैपेसिटी, इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फुल कैपेसिटी मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो आप 24 आवर्स तक काम कर सकते हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, आंसर इज नहीं, क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबल तो है लेकिन उसमें से आपको 8 आवर्स आपको क्या चाहिए, स्लीपिंग के लिए। 8 आवर्स आपको किसके लिए चाहिए, स्लीपिंग के लिए। देन 4 आवर्स आपको किसके लिए चाहिए फ्रेंड्स, आप खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो सब, इट मीन्स आपका कितना हो गया, इट मीन्स 12 आवर्स आपके पास बचे, वो 12 आवर्स आपका क्या हुआ, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम, कम से कम आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए। आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितना है, क्योंकि एक मेरा डायलॉग आप याद रख लेना, बुक में लिख लेना, ये डायलॉग क्या डायलॉग है, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि पास हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे गारंटी नहीं है पास हो जाएंगे, लेकिन आप कम पढ़ेंगे तो गारंटी है फेल हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे गारंटी नहीं है पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कम पढ़ेंगे तो गारंटी है फेल हो जाएंगे। फिर आपका आता है फ्रेंड्स 12 आवर्स, ये आपने बता दिया। फिर नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी राइट, तो किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, आजकल आप देखो YouTube के ऊपर भरमार पड़ी हुई है राइट। इंटर में बच्चा फेल हुआ है और वो बोल रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर। इंडस्ट्री में लड़की काम करती है ऑडिट फर्म में, वो बोल रही है हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल। जिसको कोई काम नहीं है वो अपना सॉफ्टवेयर खरीद लिया, वीडियो बना रहा है और डाल रहा है, सेल्स सर्विस के नाम जीरो, आफ्टर सेल्स सर्विस जीरो। उनको मालूम ही नहीं है, टीचर्स को तो वो ऐसे ही समझ रहे हैं, उनको लगता है ये पढ़ लिया तो हम पढ़ा। अरे भाई अपना जिसका जो काम है उसको करने दीजिए राइट। पहले दिन मोटिवेशनल वीडियो करके 24 आवर्स पढ़ लिया, मतलब लाख लाख व्यू, लाखों व्यूज है, ये मोटिवेशनल गुरुज के लाखों व्यूज हैं। उनको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये जुलाई वाला सम दे देने का करके, क्योंकि सर जरा सॉल्व कर दो ना लाइव, जरा सॉल्व कर दो ना, अब बहुत मोटिवेट करते हो ना, मैंने ये किया मैंने ये पास किया मैं ऐसे पढ़ता, क्योंकि ये सम जरा सॉल्व करके दिखाओ ना, जुलाई वाला जो 21 का है सम 6 भी जरा सॉल्व करके दिखा दो ना सर, पता चल जाएगा करके। बहुत सारे FM के जो टीचर है ना, अब मैंने इंटर में भी FM पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्यों FM के टीचर है वो हमेशा CA की बुराई करते रहेंगे करके। अरे भाई जरा CPT तो पास करके दिखा जरा, अभी मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए करके, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, फाउंडेशन पास तो करके देखा। मैं सबसे बड़ा मैंने विरोध किया है ICI के साथ कि नहीं भाई आप 50% वाला जो कंसेप्ट है उसको हटाइए। फ्रेंड्स आप कोई भी मार्कशीट देखेंगे ना तो उसमें क्या रहता है, 40% ले आएगा बच्चा, एग्रीगेट 50 आप रखो, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोल दिया है कि हर सब्जेक्ट में आप 50 रखिए। फ्रेंड्स उसको नहीं होगा, क्या होता है अपने जो नॉर्थ के बच्चे रहते हैं उनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है और यहाँ के बच्चों का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है करके, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। इंटर में दोनों ग्रुप के बाद ये लोग बोलते हैं आर्टिकल से ह्यूज प्रॉब्लम आने वाला है, आर्टिकल मिलेंगे ही नहीं और बच्चे का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा करके। बच्चे का जो मोटिवेशन है सीए करने का वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप हो जाता था ना एटलीस्ट वो सीनियर्स को मिलता था, ऑडिट पे जाता था, काम में लगता था, और हाईली एक शॉर्टेज आने वाला है। और फाइनल से कॉस्ट निकाल दिया, समझ में नहीं आता बात करें कोई, इसका कुछ लॉजिक सर, तो सब इनको चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे अमेंडमेंट इनको लाने ही पड़ेंगे कोर्स के अंदर, अगर कोर्स को बेहतरीन बनाना है तो। 24 आवर्स आपने किसी का वीडियो सुन लिया 24 आवर्स, ओके, दूसरे दिन आपका ब्रेकडाउन 2 आवर्स, इट मींस वेरी हाई और वेरी लो को हम लोग इसमें छोड़ देते, उसको कंसिडर नहीं करते।
फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल इसका क्या था कि भाई लास्ट 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स उसने सपोज 12 आवर्स किया, 11 आवर्स किया, 13 किया, इन तीनों को डिवाइड बाई 3 कर देंगे और वो कैपेसिटी को, नॉर्मल कैपेसिटी को हम लोग जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और एक्चुअल कैपेसिटी आपको पता चलेगा नवंबर 2022 के बाद। तो चार तरह का कैपेसिटी होता है फ्रेंड्स। पहला आपका हो गया फुल कैपेसिटी, अगर आप चाहें तो 24 आवर्स, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल में आपको 24 में से 8 आवर्स स्लीपिंग हो गया, 4 आवर्स आपका अदर के लिए हो गया, 12, 24 वेरी हाई, 2 वेरी लो, उसको छोड़ के एवरेज आउट आप कर सकते हैं, और नवंबर 2022 में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपको एक्चुअल कैपेसिटी पता चलेगी। आपको जो एक्चुअल कैपेसिटी सीए स्टूडेंट को पता चलेगी वो कब पता चलेगी, एट द एंड ऑफ नवंबर 2022 आपको पता चलेगी कि उसकी ये क्या थी कैपेसिटी। ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स। सबसे पहले डेज लेके चलिए। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, बोले भाई आप इधर आए, बोले अपन कितने वीक्स फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो आपको बोलता है सर हम लोग टोटल 50 या यू कैन से 365 डेज काम करते हैं। हमारी फैक्ट्री कितने दिन चालू रहेगी, 365, कितने दिन, 365। बोले ठीक है, बोले सर उसमें से संडे को हमारा बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा 52 डेज। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ, जो हम रिकवरी रेट निकालते हैं, हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू रिकवरी रेट निकालने से ही आता है, रिलेवेंट कॉस्टिंग और रिकवरी रेट दो में हमारा, और प्राइसिंग डिसीजन, ये तीन पे मेरा पूरा प्रैक्टिस है करके। देन संडे आपके निकल गए, देन वो बोलता है 13 अदर होलीडेज हैं, होली, दिवाली, दशहरा, वैलेंटाइन डे, सब मिला के अदर होलीडेज हैं। इट मीन्स हम लोग नॉर्मली कितना काम करते हैं, 300 डेज। इट मीन्स अगर आपको पर डे पे रिकवर करना है, अगर आपको पर डे पे रिकवर करना है तो क्या हो जाएगा, 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 300 एंड दिस कम्स टू 2000। 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 300 आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, ₹2000। 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 300 डेज आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, ₹2000। फिर आप देखते हो कि 300 आपके पास डेज है, बराबर। अब प्रोडक्शन मैनेजर को पूछो कि भाई हमारे पास कितने वर्कर्स है, वो आपको बोलता है 10 वर्कर्स। ये सब आप सिस्टम को समझो फ्रेंड, तो ही आपके स्टडी हैंडल कर पाओगे। मेरे को बच्चे लोग को ये आता रहे यार ये क्या कर रहे करके, इनको कुछ बेसिक भी नहीं मालूम है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, पता चलता है यार इसको बेसिक भी मालूम नहीं है कि बेसिक क्या होता है करके। इट मीन्स इनटू 10 आवर्स हमारा कैपेसिटी हो गया 30,000 आवर्स, आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 20। आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 20। अब प्रोडक्शन मैनेजर को वापस बुलाया, बोले 1 घंटे में हम कितने यूनिट्स बनाते हैं, बोलते 30,000 आवर्स, और 1 घंटे में साहब हम 2 यूनिट बना सकते हैं, 60,000, तो आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, ₹10। ये 10 पर आवर 20, और पर डे आपका रिकवरी रेट 2000। यहां तक आपको सिस्टम क्लियर हुआ कि पहले हम किससे बात करेंगे, एक्सपेंस मैनेजर से, वो हमको एक्सपेंस बताएगा, लिस्ट बनाएगा कौन से पीरियड का, 1/4/22 to 31st March 2023 का, वो हमको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बताएगा। फिर ये हमारा क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस है, पहले हम बजट बनाएंगे, ये एक्सपेंस मैनेजर ने हमको एक्सपेंस बता दिया, फिर डेज, देन आवर्स, और देन यूनिट। मैक्स टू मैक्स एग्जाम में अगर आप बोलोगे, मैक्स टू मैक्स अगर एग्जाम में आप देखोगे, तो इससे ज्यादा आपसे कोई भी नहीं कुछ भी पूछ सकता। नाउ यू गो टू एक्चुअल। जब हमको 23 में हमको पता चला एक्चुअल सिचुएशन कि हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस हो गया, ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंस, ये हमारी एक्चुअल यूनिट्स, ये हमारे एक्चुअल आवर्स, ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंस, ये हमारा एक्चुअल डेज,
ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंस। जब हम एक्चुअल करेंगे तो एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 620। ऐसा हो सकता है कि नहीं बोलो, कमेंट करके बताओ, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। आपका एक्चुअल क्या हो जाएगा 620, आपका एक्चुअल क्या हो जाएगा 620। ओके चलो, एक्चुअल डेज आपके हो गए सपोज 301। आपने जब सोचा था तो आपको लगा कि फरवरी में 28 डेज होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल करने गए तो 301। आपके एक्चुअल आवर्स हो गए 32,000 और आपने एक्चुअल यूनिट्स बना के तैयार की 50,000। और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सब कुछ। आपको मैंने स्टेप वन आपको दे रखा है, 11.35 पे ये एग्जांपल सेम आपको दिया। यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं बताइए फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हुआ या नहीं बोलिए। अब आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देगा, ये सिचुएशन एग्जाम में आपको दे देगा। एग्जाम में आपको क्या देगा, एग्जाम में आपको ये सिचुएशन देगा, एग्जाम में आपको क्या देगा, एग्जाम में आपको ये सिचुएशन देगा। एग्जामिनर आपको क्या देगा, मैक्स टू मैक्स मीन इससे बड़ा कुछ भी सम एग्जाम में नहीं आ सकता। ये सिचुएशन यूनिट्स आर्स एंड डे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बनाना है फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, या इसको कोई कोई फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट भी बोलता है। टू बैंक, आपने कितना पे किया 6 लाख, टू बैंक कितना पे किया आपने, आपने कितना पे किया, आपने पे किया एक्चुअल एक्सपेंसेस आपने पे किया 620। टू बैंक आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इज 6,20,000। आपकी पॉकेट से कितना गया 6,20,000, आपकी पॉकेट से कितना गया रुपीज 6,20,000, आपकी पॉकेट से कितना गया बोलो रुपीज 6,20,000। अब आपकी पॉकेट में कितना आएगा, 50,000 यूनिट्स बनाया आपने, 50,000 यूनिट्स बनाया और बनाने के बाद आपने सेल कर दिया, इट मींस बाय रिकवरी 50,000 इंटू 10 इज 5,00,000। आपने पे किया 620, आपकी पॉकेट से गया 620, आपकी पॉकेट में आया 5,00,000, इट मींस आपको कितने का लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया इट मींस by under recovery of rupees 1,20,000। आपने पे कितना किया 620, आपकी पॉकेट में कितना आया 5,00,000, आपको अंडर रिकवर कितना हो गया 120, आपको अंडर रिकवर कितना हो गया 120। अब आपको यह देखना है कि फॉर द लॉस ऑफ 120 हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और अब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको केस स्टडी में क्या आता है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेक्ट है, 6,00,000 करेक्ट है कि 620 करेक्ट है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका 6,00,000 रुपीज करेक्ट है या 6,20,000 करेक्ट है, नेक्स्ट ईयर के 50,000 यूनिट्स करेक्ट है और 60,000 यूनिट्स करेक्ट है, नेक्स्ट ईयर के लिए 60,000 यूनिट्स करेक्ट है या 50,000 यूनिट्स करेक्ट है, ये आपको बता रहा है। 50,000 आपके यूनिट्स करेक्ट है या आपका 60,000 यूनिट्स करेक्ट है, 620 करेक्ट है या 6,00,000 करेक्ट है, इसके लिए हम क्या करो, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ रुपीज 1,20,000, ये अपने को मेन इसके अंदर अपने को देखना है। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो फ्रेंड्स, बोलो कौन रेस्पॉन्सिबल है और वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तो पहले हमको ये तो पता चले कि ये लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है, बराबर। आपने पे कितना किया 620, पॉकेट में आया 5,00,000, इतने सबसे पहले आपका निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, सबसे पहले आपका निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, कितना रिकवर हुआ 5,00,000 और कितना आपने पे किया 620, कितने का लॉस हो गया 120। गो वेरी लॉजिकल, नो फॉर्मूला, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। आपको रिकवर होके कितना मिला 5,00,000, आपकी पॉकेट से कितना गया 620, कितने का लॉस हो गया 120। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, एक आपका एक्सपेंस मैनेजर और एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर।
एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, 6 लाख का खर्चा होगा, हुआ कितना 620, कितने का लॉस हो गया 20,000, एडवर्स हो गया आपका 20,000। इसने क्या बोला, कितना खर्चा होगा 6 लाख, आया कितना 620। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला, 60,000 यूनिट्स बनेगा, बना कितना 50,000, एंड व्हाट इज द रिकवरी डेट 10, आपको लॉस कितने का हो गया रुपीज 1 लाख का लॉस प्रोडक्शन मैनेजर, 20 का एक्सपेंस मैनेजर, टोटल लॉस आपका ये। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इट मींस फर्स्ट दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस रिकवर्ड हुआ 5 लाख, रिकवर्ड हुआ 5 लाख और आपने पे किया 620 एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ 120 का आपका हो गया। इट मींस रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस में आपका क्या हो गया रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। उसके अब कौन कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल, पहला आता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, और एक आपका आएगा फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। कितना आपको रिकवर होकर मिला, आपको रिकवर होकर मिला 5 लाख, कितना आपकी पॉकेट से गया 620, कितने का लॉस हो गया 1,20,000। 5 लाख का आपको ये मिला और आपका गया कितना 620, कितने का लॉस हो गया 120, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। फिर आपका आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। ये कौन सा मैनेजर रहेगा आपका, ये आपका एक्सपेंस मैनेजर, ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर, ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस मैनेजर, ये फिक्स्ड एक्सपेंस मैनेजर ने आप जरा देखिए पेज नंबर 11.3435 पे मैंने आपको बनाया हुआ है टेबल, आप देखिए एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 6 लाख, जबकि खर्चा हो गया 620, इट मींस कितने का लॉस हो गया 20,000, लॉस मींस एडवर्स। इट मींस फॉर्मूला आपका बनेगा बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। आपने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 6 लाख, खर्चा कितना हुआ 620, बजटेड एक्सपेंस एंड एक्चुअल एक्सपेंस, कितने का लॉस हो गया, लॉस ऑफ 20,000। ये आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक्सपेंस मैनेजर, ये आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर। अब आ जाइए फ्रेंड्स आप दूसरा, आप आइए प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था देखिए जरा, 60,000 यूनिट्स बनेंगे, बने कितने 50,000, एक के ऊपर रिकवरी डेट कितना है 10, आपका लॉस कितना हो जाएगा रुपीज 1 लाख। इट मींस बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, आपको कितने का लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया रुपीज 1,20,000। 120 में से 20,000 आपका डूबा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस मैनेजर, और 1 लाख आपका डूबा ड्यू टू प्रोडक्शन मैनेजर। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि सपोज योर प्रोडक्शन मैनेजर, आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड,
आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो कौन से बैकग्राउंड से है, सपोज वो है साइंस बैकग्राउंड से, बराबर। अपने को एक भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको पूरा लॉजिक से ही जाना है। पर फिर भी स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन में भी फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं। सपोज योर प्रोडक्शन मैनेजर इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बराबर, उसको ये आपका फाइनेंशियल का टर्म्स कुछ समझता नहीं है। आपने उसको बोला कि भाई आपने कम प्रोडक्शन किया, इसके लिए आपके को अंडर रिकवरी हुई, अपन ज्यादा करते तो अपने को ओवर रिकवरी होती। तो वो आपको क्या बोलता है कि सर यू डोंट रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में 60 के 50 बनाया, ठीक है ना। आर यू रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, यू रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, तो मैंने तो 30,000 आवर्स आपको बोला था और काम किया 32, तो मेरी वजह से तो ओवर रिकवरी होना चाहिए, व्हाई देयर इज अंडर रिकवरी। बात उसकी सही है। अब बहुत लॉजिकली आप जरा समझना, इट मींस दिस यू डिवाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, ये दो है। हम उसको बोलेंगे ठीक है भाई, आपको बोला था कैपेसिटी 30,000, आपने काम किया 32, एक घंटे का रिकवरी डेट है 20, तो आपकी वजह से प्रॉफिट होना चाहिए 40,000, एग्रीड। फॉर्मूला आपका हो जाएगा बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। आपकी कैपेसिटी कितने आवर्स की थी, 30, आपने काम किया 32, रिकवरी रेट 20, और आपका 40,000 क्या हो जाएगा, इज ए फेवरेबल आंसर, एग्री। अब आप उसको समझाइए, सर आपकी बात बराबर है, अब जरा आप मेरा समझिए, आपने क्या बोला था कि अगर यूनिट्स 60,000 है तो आर्स आपको कितने लगेंगे, 30,000 मींस 30,000 यूनिट्स में आप कितने आर्स, कितनी 60,000 यूनिट्स में कितने आर्स लगेंगे, 30,000। अब अगर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 50, तो आपको आर्स कितने लगने चाहिए, 25। 60,000 यूनिट्स के लिए कितने आर्स चाहिए, 60,000 यूनिट्स के लिए आपको 30,000 आर्स चाहिए, 60,000 यूनिट्स के लिए 30,000 आर्स चाहिए, तो 50 के लिए आपको कितने आर्स लगेंगे, 25, और 25 वाला काम, 25,000 वाला काम आपने कितने में किया है, 32 में। इट मींस आपने वर्क तो किया है लेकिन प्रोडक्शन नहीं किया है, आपने लॉस कर दिया आर्स का, आपने प्रोडक्शन मींस काम तो किया है। मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक टॉपिक को पढ़ाने में मेरे को एक घंटा लगेगा, बराबर, अब मैंने आपको 3 घंटे पढ़ाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 3 टॉपिक भी तो मैं कवर कराऊं ना, आके मैं बोलूंगा दानी की कॉस्टिंग, समुद्र में पानी और ये वो और आई एम बेस्ट और मैंने ये, तो आप बोलोगे सर आपने तो टाइम पास किया क्लास में, आपको टाइम ज्यादा लग गया, आपने टाइम पास किया क्लास के अंदर। 60,000 यूनिट्स को बनाने में 30,000 आर्ट्स चाहिए, 60,000 यूनिट्स को बनाने में 30,000 आर्ट्स चाहिए, तो 50 को बनाने में कितने आर्ट्स चाहिए, 25, और 25 वाला काम आपने कितने किया है, 32, इट मीन 7,000 आर्ट्स लॉस्ट हो गए, और एक आर का कॉस्ट कितना है, एक आर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज, इट मीन आपको लॉस कितना हो गया, 140 का, 140 का लॉस, 40 का प्रॉफिट, इसके लिए क्या आ रहा है आपका, 1 लाख, सही है सर। 60,000 यूनिट्स को बनाने में 30,000, 50 को बनाने में 25, 25 वाला काम आपने कितने में किया है, 32, अगर आप 32 मीन 64,000 यूनिट्स बनाते तो अपने को लॉस ही नहीं होता, 32,000 आर्ट्स में आपने कितने, क्योंकि हम तो कस्टमर से यूनिट्स पे ही लेंगे ना, वी कैन नॉट आस्क कस्टमर से आर्ट्स के बेसिस पे। इट मीन्स अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इट मींस बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी।
budgeted hours for actual production minus actual hours for actual production into recovery date. आपका ये फॉर्मूला भी मैंने लिख के आपको दिया है, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट, इनटू रिकवरी रेट, सही है सुनो फ्रेंड्स, एक एक लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना 50,000 के लिए कितने आवर्स चाहिए 25, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपके कितने 32, व्हाट इज योर रिकवरी रेट, परफेक्टली क्लियर. इसका मतलब आपको कितने का हो गया 1,40,000 का आपको क्या हो गया 1,40,000 का आपको क्या हो गया फ्रेंड्स 1,40,000 का आपको क्या हो गया लॉस हो गया 1,40,000 का आपको क्या हो गया बोलो लॉस हो. अब और दो इसके वेरियंस रहते हैं वो टाइम पास है सिर्फ. एक आपका है फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस, कैलेंडर वेरियंस इसका मतलब आपके पास कितने डेज थे, आपने कितने डेज के लिए पे किया, आपने पे किया 300 डेज के लिए, काम करने को मिल गया 301 इंटू व्हाट इज योर रिकवरी डेट 2000, आपका क्या हो जाएगा 2000 फेवरेबल. आपने पैसा कितने के लिए दिया 300 के लिए, इट मीन्स आपके बजटेड डेज थे 300. सब मैंने आपको सॉल्यूशन बुक पे लिख के दिया है पेज 11.35 पेज 11.36 पे, माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट. आपने कितने दिन के लिए पे किया 300, आपको कितना काम करने को मिल गया 301, वन डे एक्स्ट्रा मिला ओके, एक दिन का रिकवरी रेट क्या है 2000, आपको 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए. लेकिन क्या हुआ है प्रॉफिट, इट मीन्स आप देखो इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, ये आपको दे रखा है लिखा हुआ आपको करके आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए. फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी इट मींस आपके डेज और आपके आवर्स, 300 डेज में आपका कैपेसिटी कितना था 30,000 आवर्स, आपने क्या बजट किया था 300 डेज, आपके आर्स कितने थे 30,000, अगर आपको 301 डे मिलते हैं तो आपका आर्स क्या हो जाएगा 30,100. इसका मतलब 301 वन डे आपको एक्स्ट्रा मिला, 10 आर्स 10 वर्कर्स हैं तो 100 आर्स आपके बढ़ जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 300 डेज में 30,000 आर्स, 301 में 30,100, तो 30,100 की जगह आपने काम कितना किया 32,000 एंड एक घंटे का रिकवरी रेट है 20, आपका कैपेसिटी था 30,100, आपने काम किया 32,000 इनटू रिकवरी रेट 20, इनटू रिकवरी रेट 20 आपका टोटल क्या हो जाएगा 38,000 फेवरेबल, 38 फेवरेबल 2 फेवरेबल 40 फेवरेबल आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, आपने काम किया है लेकिन प्रोडक्शन नहीं दिया है. इट मींस 300 डेज में आपका कैपेसिटी 30,000, 301 में आपका कैपेसिटी 30,100, 30,100 वाला काम और आपको कैपेसिटी है और आपने काम किया है ज़्यादा किया है तो हम क्या इसमें सोचते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसके लिए ही आपका 38,000 फेवरेबल. इज दिस क्लियर ऑन ओके okay? तो अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो मैंने आपको लिख के भी दिया, इट मींस बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज सब कुछ आपको लिख के दिया हुआ है, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज, उससे आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपको आ जाएगा रिकवरी रेट, सही है सुनो. थोड़ा मैं और आपको प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको और लॉजिक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम में अगर मैक्स टू मैक्स देकर आज दिस मच, पहले ऑल द इंफॉर्मेशन को यू ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लेने के बाद देन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए
और मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क वन वेरियंस कॉस्ट, सेकेंड वेरियंस एक्सपेंस, थर्ड वेरियंस वॉल्यूम, फोर्थ वेरियंस कैपेसिटी, फिफ्थ वेरियंस एफिशिएंसी, सिक्स्थ वेरियंस कैलेंडर एंड सेवन्थ। ये लेक्चर आप बार 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 देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सही है, सुनो। आप तो अपने नाम के ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दीजिए SCMPE, DKCE, SCMPE, और कौन सा वाला कॉस्टिंग वाला है, कौन सा वाला CA है, मतलब लोग पूछेंगे, क्योंकि अब जो CA निकलेंगे नए सिलेबस में उनके पास कॉस्टिंग नहीं है करके, तो आपसे पूछा जाएगा कौन से वाले, बोले हम SCMPE वाले हैं। तो आप पहला जो भी इंफॉर्मेशन है यू जस्ट ट्राई टू पुट लाइक इन दिस एंड उसके बाद देन यू टेक द क्वेश्चन। सही है, सुनो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इतना आप जरा करिए, इसको खूब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं आपको समझ कराता हूँ। ओके,